योग गुरु बाबा रामदेव ने एक कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत का संदेश दिया है, लेकिन अपने इस बयान से बाबा रामदेव विवादों में आ सकते हैं, क्योंकि मंच से बॉलीवुड के कई कलाकारों के नाम लिए, साथ में आर्यन खान का भी नाम लिया, जिन्हें ड्रग्स केस से बरी किया जा चुका है। शाहरुख खान का बच्चा ड्रग भी ले रहा था, सलमान ड्रग लेता है, आमिर का पता नहीं। जगह उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला, कार्यक्रम आर्य समाज का था, आर्यवी सम्मेलन। बाबा रामदेव नशा मुक्ति पर बोल रहे थे और क्या क्या बोल गए आप खुद सुनिए। जिनको फिल्म स्टार बोलते हैं और एक्ट्रेस का तो भगवान ही मालिक है, चारों तरफ ड्रग्स इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स, पॉलिटिक्स में ड्रग्स। बाबा ने खुले मन से आरोप लगाए कि बॉलीवुड वाले सल्लू मियां ड्रग्स का सेवन करते हैं, शाहरुख खान ड्रग्स लेते हैं, शाहरुख के बेटे आर्यन जिन्हें केस में बरी कर दिया गया है, बाबा रामदेव का इल्जाम उन पर भी था। हाँ, आमिर का नाम लेने से कतराए जरूर, पर हीरोइनों को लपेट लिया, बॉलीवुड के कई कलाकारों को तो कोसा ही, भला बुरा कहा और इल्जाम लगाए, लेकिन उसके बाद बाबा ने इस्लाम पर टिप्पणी की, जिन्ना को निशाने पर लिया और कहा कि ठीक हुआ जिन्ना मर गया। जैसे कोई इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करता है तो कहता हूँ दारू नहीं पीता, ये अलग बात है कि जो वाहियात किस्म के जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं खूब दारू पीते, जिन्ना दारू पीता है, मर गया जल्दी, अच्छा हुआ। बाबा रामदेव ने नशा मुक्त भारत को लेकर मन से अपने बयानों का मंचन तो कर दिया, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसे बयानों से देश नशा मुक्त हो या ना हो, लेकिन बाबा रामदेव विवाद युक्त जरूर हो जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।